हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 12 की तीसरी हेडिंग कार्बनिक यौगिकों का संरचनात्मक निरूपण के बारे में। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 11 का अध्याय 12 कार्बनिक रसायन कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकों के बारे में। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं चैप्टर 12 की तीसरी हेडिंग कार्बनिक यौगिकों का संरचनात्मक निरूपण कैसे किया जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। इसके अंतर्गत जो पहली हेडिंग है वह है पूर्ण संघनित तथा आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र। पूर्ण संघनित तथा आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र के बारे में इस वीडियो में चर्चा होगी। ध्यान समझिएगा, कार्बनिक यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखने की कई विधियां हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कार्बनिक यौगिक का संरचनात्मक सूत्र लिखने का, स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखने की कई विधियां हैं। इनमें कुछ विधियां लुईस संरचना अथवा बिंदु संरचना, लघु आबंध संरचना, संघनित संरचना तथा आबंध रेखा संरचना है। तो आप देख रहे हैं कि कार्बनिक यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखने की कई विधियां हैं, ठीक है। इनमें से कुछ विधियां जो हैं वे जिनको लुईस संरचना कहते हैं अथवा बिंदु संरचना कहते हैं, दूसरी जो विधि है उसे लघु आबंध संरचना कहते हैं, डैश स्ट्रक्चर कहा जाता है। इसके बाद संघनित संरचना है, कंडेंस स्ट्रक्चर है तथा आबंध रेखा संरचना है, ठीक है। इतने तरीकों से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट किया जा सकता है उसके संरचनात्मक सूत्र को। लघु रेखा, लघु रेखा में आप देख रहे हैं एक लाइन खींची जाती है छोटी सी, लघु रेखा द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म सहसंयोजक आबंध को दर्शाकर लुईस संरचना सरल की जा सकती है, ठीक है। एक लघु रेखा के द्वारा, छोटी लाइन के द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म को, इलेक्ट्रॉन के जोड़ों को, सहसंयोजक आबंध को दर्शाकर लुईस संरचना सरल की जा सकती है। जब सहसंयोजक बंध बनता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है इलेक्ट्रॉन युग्म की, जिसके कारण सहसंयोजक आबंध बन रहा है, तो इसी इलेक्ट्रॉन के जो इलेक्ट्रॉन युग्म हैं, पेयर हैं, जोड़े हैं, उनको एक जोड़े की जगह पे एक लघु रेखा खींच सकते हैं। दो जोड़े हैं तो दो लघु रेखा आपको खींचना पड़ेगा। इस तरीके से लुईस संरचना को सरल किया जा सकता है। आबंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉनों पर ऐसे संरचनात्मक सूत्र केंद्रित होते हैं, ठीक है। आबंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉनों पर ऐसे संरचनात्मक सूत्र केंद्रित होते हैं। एकल आबंध, द्वि आबंध तथा त्रि आबंध को क्रमशः एक लघु रेखा, अगर एकल आबंध है, सिंगल बांड है, तो उसको एक छोटी लाइन से प्रदर्शित करेंगे एक लघु रेखा से। यदि द्वि आबंध है, डबल बांड है, तो उसको द्वि लघु रेखा से खींचेंगे, और यदि त्रि आबंध है तो उसको त्रि लघु रेखा द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। तो एक पेयर इलेक्ट्रॉन है, जो एक शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है तो उनको सिंगल बांड से दिखाएंगे, दो शेयर पेयर आप इलेक्ट्रॉन हैं तो उनको द्वि आबंध से, और तीन शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन हैं तो उनको त्रि आबंध से दिखाएंगे। विषम परमाणुओं जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन आदि पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को दो बिंदुओं द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे ऑक्सीजन के पास बंध बनाने के बाद जितने इलेक्ट्रॉन बच गए हैं उन इलेक्ट्रॉनों को एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहेंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहेंगे। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो दो बिंदुओं के द्वारा दर्शाया जाएगा। जैसे NH3 अमोनिया है तो अमोनिया NH3 में
नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होता है और हाइड्रोजन के 1 होता है। तो नाइट्रोजन जो है 3 हाइड्रोजन से 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेगा, जिससे अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, अर्थात एक एकाकी युग्म बचेगा। तो एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को हम नाइट्रोजन पर 2 डॉट बिंदु द्वारा प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। परंतु कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है कि डॉट बिंदु नहीं बनाते हैं, अतः एथेन C2H6, एथीन C2H4, एथाइन C2H2 तथा मेथेनॉल CH3OH के संरचनात्मक सूत्रों को निम्नलिखित प्रणाली द्वारा निरूपित किया जाता है, ठीक है। ऐसे संरचनात्मक निरूपणों को पूर्ण संरचनात्मक सूत्र कहा जाता है, कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला कहा जाता है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा भी नहीं होता है कि उनको जो है एक बंध, दो बंध, त्रिबंध के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाए, या फिर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को 2 बिंदुओं के द्वारा दर्शाया जाए, परंतु कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है। अतः एथेन, एथीन, एथाइन तथा मेथेनॉल के संरचनात्मक सूत्रों को निम्नलिखित प्रणाली द्वारा निरूपित किया जाता है, और ऐसे संरचनात्मक निरूपण को पूर्ण संरचनात्मक सूत्र कहा जाता है, कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला कहा जाता है। एथेन का देखें, यह एथेन का कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला है, पूर्ण संरचनात्मक सूत्र है। एथेन का सूत्र होगा C2H6। आप देखें C2 2 कार्बन है और H6 अर्थात 3 हाइड्रोजन इधर है, 3 हाइड्रोजन इधर है, तो 6 हाइड्रोजन हो गए। तो यह C2H6 है, यह एथेन है। इस तरह से एथेन को रिप्रेजेंट करना, प्रस्तुत करना पूर्ण संरचनात्मक सूत्र कहलाता है, कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला कहलाता है। यह आपका एथीन है C2H4, 2 कार्बन हैं, आपस में 2 बंध द्वारा जुड़े हुए हैं, डबल बॉन्ड द्वारा, और यह आपके H4 हैं, 2 हाइड्रोजन इससे, 2 हाइड्रोजन इससे। यह आपका C2H4 है, जिसे एथीन कहा जाता है। अगला है आपका एथाइन, जिसमें आप देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में 3 बंध होता है। इसका सूत्र है C2H2 एथाइन है आपका। यह आपका मेथेनॉल CH3OH मेथेनॉल है। अब इसके सूत्र में आप देख सकते हैं कि बंध बनाने के बाद इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, जो ऑक्सीजन के पास हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है, अर्थात 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डॉटेड बिंदु द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसा आप देख रहे हैं, ठीक है। अथवा ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिना डॉटेड बिंदु के भी दिखा सकते हैं, जैसे यह फिगर में CH3OH मेथेनॉल है। इसमें जो है इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को नहीं दिखाया गया है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को नहीं दिखाया गया है मेथेनॉल में, और इसमें दिखाया गया है, ठीक है। तो यह आपका जो स्ट्रक्चर है एथेन, एथीन, एथाइन और मेथेनॉल का, इसे कहते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला, पूर्ण संरचनात्मक सूत्र, ठीक है। इन संरचना सूत्रों को कुछ या सारे सहसंयोजक आबंधों को हटाकर तथा एक परमाणु से जुड़े समान समूह को कोष्टक में लिखकर उनकी संख्या को पदांक में प्रदर्शित कर संक्षिप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो यह जो आप कंप्लीट स्ट्रक्चर देखे हैं, पूर्ण संरचनात्मक सूत्र देखे हैं, इस पूर्ण संरचनात्मक सूत्र को छोटा किया जा सकता है, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, इन संरचना सूत्रों को कुछ या सारे सहसंयोजक आबंधों को हटाकर तथा एक परमाणु से जुड़े समान समूह को कोष्टक में लिखकर उनकी संख्या को पदांक में प्रदर्शित करके संक्षिप्त किया जा सकता है,
इन संक्षिप्त सूत्रों को संगणित संरचनात्मक सूत्र कहते हैं। ये जो संक्षिप्त सूत्र हैं इनको संगणित संरचनात्मक सूत्र कहेंगे, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला कहेंगे, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला कहेंगे। अतः एथेन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, CH3CH3। एथीन को CH2 डबल बंद CH2, एथाइन को CH ट्रिपल बंद CH, मेथेनॉल को CH3OH, यह मेथेनॉल हो गया। तो यह जो आप देख रहे हैं इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे संघनित संरचनात्मक सूत्र एथेन का CH3CH3। कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला में आपको सहसंयोजक बंध को भी दिखाना है। तो यह आपने समझा कि पूर्ण संरचनात्मक सूत्र कैसे लिखा जाता है, जैसे आप देख रहे हैं एथेन एथीन एथाइन और मेथेनॉल का यह पूर्ण संरचनात्मक सूत्र है, और यह जो है आपका संगणित संरचनात्मक सूत्र है एथेन एथीन एथाइन और मेथेनॉल का, ठीक है, जो संक्षिप्त रूप में लिखा गया है, जिसे संगणित संरचनात्मक सूत्र कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला कहा जाता है। इसी प्रकार जो है, इस प्रकार CH3CH2CH2CH2CH2CH3 को, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक CH3 है, उसके बाद CH2 जो है 1 2 3 4 5 6 बार CH2 है, फिर CH3 है। इसको आप संघनित रूप में, शार्ट रूप में कैसे लिखेंगे, तो CH3CH2 छः बार और CH3, इसका संघनित रूप यह होगा, ठीक है। तो इस प्रकार CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH3 को और भी संघनित रूप में हम CH3CH2 इन ब्रैकेट क्लोज 6CH3 द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, ऐसे आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसे और सरल बनाने के लिए कार्बनिक रसायनज्ञों ने संरचनाओं को निरूपित करने के लिए केवल रेखाओं का उपयोग किया है, केवल लाइन खींचा है और शार्ट करने के लिए, इसे और सरल बनाने के लिए कार्बनिक रसायनज्ञों ने संरचनाओं को निरूपित करने हेतु केवल रेखाओं का उपयोग किया, इसे आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कार्बन तथा हाइड्रोजन परमाणुओं को नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो कार्बनिक रसायनज्ञों ने संरचना को निरूपित करने के लिए केवल रेखाओं का, केवल लाइन का प्रयोग किया, इसे आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। इसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन परमाणुओं को नहीं लिखा जाता, बल्कि कार्बन कार्बन आबंधों को, कार्बन कार्बन के बीच बने हुए बंध को टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है, जिग जैक रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। केवल ऑक्सीजन क्लोरीन नाइट्रोजन इत्यादि परमाणुओं को विशेष रूप से लिखा जाता है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में केवल ऑक्सीजन क्लोरीन नाइट्रोजन इत्यादि परमाणुओं को विशेष रूप से लिखा जाता है। सिरे पर स्थित रेखा, सिरे पर स्थित जो रेखा होती है, जो लाइन होता है, मेथिल समूह इंगित करती है। सिरे वाली रेखा जो है वो किसको बताती है, मेथिल समूह को प्रदर्शित करती है, जब तक किसी क्रियात्मक समूह द्वारा नहीं दर्शाया गया हो। आंतरिक रेखा उन कार्बन परमाणुओं को इंगित करती है जो अपनी संयुक्तता को पूर्ण करने के लिए आवश्यक हाइड्रोजन से आबंधित होते हैं। आंतरिक रेखाएं जो हैं वे उन कार्बन परमाणुओं को प्रदर्शित करती हैं जो अपनी संयोजकता को पूर्ण करने के लिए आवश्यक हाइड्रोजन से आबंधित होते हैं, जैसे 3 मेथिल ऑक्टेन
थ्री मिथिल ऑक्टेन, जैसा ऊपर आपने देखा था, यह आपका थ्री मिथिल ऑक्टेन है। CH3, CH2, CH, CH2, 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 CH3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 कार्बन की लंबी श्रृंखला है, ऑक्टेन सिंगल बंद वाले सब हैं। 1, 2, 3 तीसरे नंबर पे मेथिल जुड़ा हुआ है, तो यह हो गया आपका थ्री मेथिल ऑक्टेन। ठीक है, अब यह जो लिखने का तरीका है इसे क्या कहते हैं, ठीक है, यह आपका एक कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला है जिसको संघनित किया गया है। ठीक है, संघनित रूप में लिखा गया, इसको चेंज करना है आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में, तो कैसे लिखेंगे, तो CH3, CH2, CH2, CH, CH2, 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 CH3, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कार्बन जो है वह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 कार्बन है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में प्रारंभिक जो लाइन होती है वह CH3 को और अंतिम लाइन जो है CH3 को रिप्रेजेंट करती है, जब तक कि किसी क्रियात्मक समूह द्वारा नहीं दर्शाया गया हो। तो आपको 8 करना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जिगजैग लाइन में आपने इसको दिखा दिया। कार्बन कार्बन आबंधों को टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं द्वारा प्रदर्शन यहाँ पे किया गया है। 1, 2, 3 तीन नंबर कार्बन से CH3 जुड़ा हुआ है, तो 1, 2, 3 तीन नंबर कार्बन से एक लाइन नीचे खींच दिए, अर्थात यहाँ CH3 जुड़ा हुआ है। एक नंबर कार्बन से CH3 है, 8 नंबर कार्बन से CH3 है, तो सिरे वाली जो रेखाएं होती हैं वह मेथिल समूह को दर्शाती हैं। सिरे वाली रेखाएं किसको बताएंगी, मेथिल को। तो यहाँ पे CH3 है, यह वाला, यह CH3 यहाँ पे है। 1, 2, 3 तीसरे नंबर कार्बन से CH3 है, तो 1, 2, 3 तीसरे नंबर कार्बन से यह CH3 जुड़ा हुआ है। 8 कार्बन की लंबी श्रृंखला है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कार्बन की लंबी श्रृंखला। ठीक है, तो यह जो स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कहा जाता है। ठीक है, अब आइए दूसरा देखते हैं, 2 ब्रोमो ब्यूटेन 3 ब्रोमो ब्यूटेन है को दर्शाने वाले विभिन्न तरीके को आपको बताना है। 3 ब्रोमो ब्यूटेन, तो पहला तरीका है लिखने का, यह आपका 3 ब्रोमो ब्यूटेन 1, 2, ठीक है, उसके बाद ब्रोमीन है C3, 4, ठीक है, 3 नंबर पे ब्रोमीन जुड़ा होना चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ब्रोमीन जो है, नाम है 3 ब्रोमो ब्यूटेन, और फिगर में आप दूसरा इसको लिखने का तरीका में आप देख रहे हैं कि 1, 2, 3, 4 दूसरे नंबर वाले कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। इधर से गिनती करेंगे तो 1, 2 से ब्रोमीन जुड़ा है, इधर से गिनेंगे तो 1, 2 से ब्रोमीन जुड़ा है। तो दोनों तरफ से काउंटिंग करने पर हमें फिगर में दिख रहा है कि जो ब्रोमीन जुड़ा हुआ है वह दूसरे नंबर वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। और नाम क्या दिया है, नाम दिया है आपका 3 ब्रोमो ब्यूटेन 3 ब्रोमो ब्यूटेन, तो यह नाम जो है गलत है, पहले 3 के जगह पे 2 होना चाहिए, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो पहला तरीका है इस तरह से, CH3, CH, Br, CH2, CH3, पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका है, ऐसे लिख सकते हैं CH3 जिगजैग में CH और CH से जुड़ा है ब्रोमीन, तो ब्रोमीन जोड़ दिए और फिर CH2 और फिर CH3, यह हो गया दूसरा तरीका। अब जो है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कैसे लिखेंगे, तो यह हो गया आपका CH3, यह CH, CH से जुड़ा हुआ है Br, और यह CH2 और यह CH3, यह बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गया 2 ब्रोमो ब्यूटेन का। ठीक है, जिसका सिरा जो है वो CH3 को रिप्रेजेंट करता है, यह प्रारंभ सिरा और यह लास्ट सिरा जो है। दूसरे नंबर कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा है, तो दूसरे नंबर कार्बन से आपने ब्रोमीन जोड़ दिया, तो यह 2 ब्रोमो ब्यूटेन को दर्शाने के आपने 3 तरीके देखा।
क ख और ग। अब आगे देखते हैं चक्रीय। चक्रीय यौगिकों में आबंध रेखा सूत्रों को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। अगर चक्रीय यौगिक है तो उसमें बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को, बॉन्ड लाइन फार्मूला को इस प्रकार दर्शाएंगे। जैसे यह आपका है साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, प्रोपेन है और साइक्लो है। साइक्लो है मतलब जो है क्लोज स्ट्रक्चर है, प्रोपेन मतलब तीन कार्बन का है, तो यह तीन कार्बन का क्लोज स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो यह हो जाएगा आपका CH2 सिंगल बंद CH2 सिंगल बंद CH2 सिंगल बंद CH2, यह क्लोज स्ट्रक्चर बन गया। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका आप देखें इस तरह से कर सकते हैं। तो यह आपका साइक्लो प्रोपेन है, ठीक है, साइक्लो प्रोपेन। अगला जो आप देख रहे हैं साइक्लो प्रोपेन में बगल में एक स्ट्रक्चर और बना हुआ है, वह भी आपका साइक्लो है, लेकिन इनका नाम क्या होगा, ठीक है, पहले वाला का नाम तो साइक्लोप्रोपेन है, उसके बाद जो आप देख रहे हैं फिगर उसका नाम क्या होगा, तो अगला जो है वह है आपका साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन है यह जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। कैसे है साइक्लोपेंटेन, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो यह साइक्लोपेंटेन है और यह साइक्लोप्रोपेन है। 1, 2, 3 क्लोज कम क्लोज है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर इसलिए साइक्लो, और तीन कार्बन से क्लोज हुआ इसलिए प्रोपेन, ठीक है। यह दोनों इक्वल टू नहीं है, यह गलत है, यह आपका साइक्लोप्रोपेन है और यह साइक्लोपेंटेन है, ठीक है ना। तो यह जो है आपका स्ट्रक्चर इक्वल टू नहीं है। आगे देखते हैं, यह आपका साइक्लो अगला कंपाउंड, यह आपका साइक्लोपेंटेन है पांच कार्बन का, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं साइक्लोपेंटेन को। पांच कार्बन CH2, 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 पांच कार्बन से पेंटेन हो गया और एक क्लोज स्ट्रक्चर है साइक्लोपेंटेन है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में, 1, 2, 3, 4, 5, यह बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना दिए, यह आपका साइक्लोपेंटेन हो गया। यह आपका देखें क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, तो एक कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, यहाँ देखें CHCl, ठीक है। उसके बाद हेक्सेन है मतलब छः कार्बन होगा, और साइक्लो है मतलब क्लोज स्ट्रक्चर होगा, सिंगल बॉन्ड वाले होंगे सब, तो छः कार्बन 1, 2, 3, 4, 5, 6, छः कार्बन का क्लोज स्ट्रक्चर बना लिए। वह कौन नंबर कार्बन से एक हाइड्रोजन कम करके उसके जगह पे Cl जोड़ दिए, तो यह हो गया आपका क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। इसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में ऐसे दर्शाएंगे, यहाँ से कार्बन हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में, आप पढ़े हैं, ठीक है, केवल ऑक्सीजन क्लोरीन नाइट्रोजन इत्यादि परमाणुओं को विशेष रूप से लिखा जाता है। तो यह आपका क्लोरीन हो गया और यह आपका साइक्लो कंपाउंड हो गया, तो साइक्लो क्लोरोहेक्सेन, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन का यह आपका फिगर है। अब कुछ उदाहरण दिए गए हैं उनको भी देख लेते हैं। निम्नलिखित संघनित सूत्रों को पूर्ण संरचनात्मक सूत्रों में लिखिए, ठीक है। यहाँ पे संघनित सूत्र दिया गया है, जो सूत्र दिया गया है वो है आपका कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला, आपको लिखना है कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला में। तो क आप फिगर देख रहे हैं, यह है आपका CH3, CH2CO, CH2CH3, ठीक है। इसका आप ओपन स्ट्रक्चर लिखें, कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला दें, तो CH3 इस कार्बन से तीन हाइड्रोजन जुड़ा है, तो कार्बन बनाएंगे उससे तीन हाइड्रोजन जोड़ दिए CH3 हो गया। उसके बाद CH2 कार्बन से दो हाइड्रोजन जोड़ दिए CH2। उसके बाद है CO, कार्बन C है इससे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो यह CO हो गया, फिर CH2 हो गया, फिर CH3 हो गया, ठीक है। तो यह आपको रिप्रेजेंट कर रहा है CH3, CH2CO, CH2CH3, CH3, CH2CO, CH2CH3, ठीक है। तो यह जो स्ट्रक्चर आपका तैयार हुआ इसे क्या कहेंगे, कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला, ठीक है, ओपन स्ट्रक्चर इसको कहेंगे और इसको क्लोज स्ट्रक्चर कहेंगे। यह आप अगला देखें CH3CH डबल बंद CH CH2 थ्राइस CH3, ठीक है।
तो इसको भी आप इसको लिख सकते हैं। आप कैसे लिखेंगे इसको देखिए ध्यान से, यह आपका ख वाला जो था सी एस थ्री, यह हो गया आपका सी एस थ्री, उसके बाद है सी एच, यह सी एच हो गया, फिर डबल बंद है, डबल बंद के बाद फिर सी एच है, ठीक है, डबल बंद के बाद सी एच है, फिर सी एस टू कितने बार है, तीन बार है, सी एस टू कितने बार लिखना है, तीन बार लिखना है। आप देखें यहाँ पे सी एस थ्री, तो यह आपका सी एस थ्री हो गया, सी एस थ्री, उसके बाद है आपका सी एच, सी एच डबल बंद सी एच, और फिर सी एस टू तीन बार है, ठीक है। तो देखें ध्यान से, यह सी एच डबल बंद सी एच, फिर सी एस टू तीन बार, सी एस टू सी एस टू तीन बार हो गया, और फिर सी एस थ्री, ठीक है। तो यह हो गया आपका सी एस थ्री, सी एच डबल बंद सी एच, फिर जो है सी एस टू तीन बार, तो सी एस टू 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 तीन बार लिख दिए यह, और यह लास्ट में सी एस थ्री हो गया। तो यह आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों का संरचना सूत्र संगणित रूप में लिखिए तथा उनका आबंध रेखा सूत्र भी दीजिए, ठीक है। तो इसका जो है संगणित रूप में आपको लिखना है, ओपन स्ट्रक्चर है, क्लोज स्ट्रक्चर करना है, और इसका बाउंड लाइन स्ट्रक्चर भी लिखना है। जैसे क है आपका एच ओ सी एस टू सी एस टू सी एस टू सी एच सी एस थ्री इन ब्रैकेट सी एच सी एस थ्री सी एस थ्री, ठीक है, इसको आपको लिखना है संगणित सूत्र में। तो कैसे लिखेंगे इसको, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एच ओ है और सी एस टू कितने बार है, तीन बार है, तो एच ओ इन ब्रैकेट सी एस टू ब्रैकेट क्लोज थ्राइच, फिर सी एच, ठीक है, फिर क्या लिखेंगे सी एच सी एच थ्री, ठीक है, सी एच सी एस थ्री सी एच थ्री ट्वाइच, यह दोनों सी एस थ्री है, इनको ब्रैकेट में दो बार यहाँ लिख देंगे हो जाएगा, ठीक है। कैसे देखें ध्यान से, यह लिखा गया है आपका एच ओ सी एस टू थ्राइज हो गया आपका, फिर सी एस थ्री और सी एच थ्री ट्वाइज, ठीक है। अगला जो था आपका ओपन स्ट्रक्चर, वह था आपका यह आपका ओपन स्ट्रक्चर था, जिसमें आप देख रहे हैं नाइट्रोजन जो है तीन बंद कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसके बाद सी एच ओ एच सी एन, ठीक है, एन सी सी एच ओ एच सी एन ओपन स्ट्रक्चर है। इसको कैसे लिखेंगे, इसको आप लिखने का तरीका देख सकते हैं, इस तरह लिख देंगे एच ओ सी एच सी एन ट्वाइच, एच ओ सी एच सी एन ट्वाइच, ठीक है। यह था आपका एच ओ सी एच और सी एन कितने बार, ट्वाइच। अब इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आपको लिखना है, एच ओ सी एच सी एन ट्वाइच बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आप इसको लिखना है। तो एच ओ हो गया और सी एस टू तीन बार है, तो एच ओ एक दो तीन, एक दो तीन, ठीक है, उसके बाद जो है तीन हो गया, तीन बार क्या हो गया सी एस टू हो गया, उसके बाद सी एच, तो यहाँ पे हो गया सी एच, सी एच से जुड़ा हुआ है सी एस थ्री, तो यह नीचे लाइन खींच दिए तो यह सी एस थ्री जुड़ गया, उसके बाद फिर सी एच है, सी एच से जुड़ा हुआ है दो सी एस थ्री, तो एक सी एस थ्री इधर हो गया, एक सी एस थ्री इधर हो गया। तो यह हो गया आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आबंध रेखा सूत्र, जिसको आप देख रहे हैं एच ओ, तो यह हो गया आपका एच ओ, उसके बाद सी एस टू तीन बार है, तो तीन बार मुड़े, एक बार सी एस टू, फिर दो बार सी एस टू, तीसरी बार सी एस टू, उसके बाद फिर सी एस, तो यह सी एच हो गया, नीचे सी एस थ्री हो गया, फिर सी एच और फिर सी एस थ्री दो बार हो गए। अगला जो है आपका ओ एच सी एच, तो यह आपका कार्बन हो गया, ठीक है, यह कार्बन हो गया सी एच, हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, ओ एच ग्रुप है इसको रिप्रेजेंट करना होगा, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है,
और CN को भी रिप्रेजेंट करेंगे तो यह CN और CN जुड़ा हुआ है साइनाइड ग्रुप। ठीक है, तो दो तरफ जो है साइनाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, यह CN और CN और यह OH हो गया और यहाँ पर क्या है CH है। तो कार्बन के हाइड्रोजन को नहीं दिखाया गया है, उसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। कार्बन को यहाँ पे कार्बन है और उससे जुड़ा हुआ है OH और आपका CN जुड़ा हुआ है 2। अगला जो है आपका वह है निम्नलिखित आबंध सूत्र रेखा सूत्रों को, ठीक है, यह आबंध रेखा सूत्र है, इसको विस्तारित रूप में कार्बन हाइड्रोजन सहित सभी परमाणुओं को दर्शाते हुए लिखिए। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, इसको आपको सभी परमाणुओं को रिप्रेजेंट करते हुए शो करना है। जैसे पहला फिगर आप देख रहे हैं, इसमें सभी परमाणुओं को दिखाना है, तो जहाँ जहाँ पे यह मोड़ है उस पर इसको वहाँ पे कार्बन लिख देंगे, सी लिख देंगे, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन और लास्ट में यहाँ पे कार्बन रहेगा। लास्ट वाले कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे CH3, इस कार्बन से 1 हाइड्रोजन CH, इन कार्बन से CH2, ठीक है, और यह CH, तो सबके हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से फिगर आपका पहले का बनेगा, जिसमें आप देख रहे हैं यह आपका CH2, CH2, CH, यह कार्बन है आपका जुड़ा हुआ, इससे CH3, CH, CH3, CH2, CH2, तो इस तरह से आपका एक ओपन स्ट्रक्चर तैयार होगा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का। अगला जो है बी, यह देख रहे हैं आप, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको यहाँ पे CH3 होगा, फिर CH2, 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 CH3 होगा, ठीक है। तो सब यहाँ पे कार्बन 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 लिखते हुए सबके पास हाइड्रोजन जुड़ेंगे, तो यह स्ट्रक्चर आपका तैयार होगा, जिसमें आप देख सकते हैं CH3 है आपका, CH2, 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 CH3 हो गया आपका, ठीक है, ये आपका ओपन स्ट्रक्चर है। अगला जो है आपका यह है, 3 बंद है, कार्बन है यहाँ पे, एक कार्बन होगा, यहाँ पर भी एक कार्बन होगा, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन भी जुड़ा होगा, तभी तो चार बैलेंसी पूरी होगी, ठीक है। तो यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा, फिर जो है इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े होंगे, फिर इस कार्बन से जो है एक OH जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा होगा, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े होंगे, ठीक है। तो जो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा, या कार्बन कार्बन के बीच में 3 बंद हो गए, कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ गया, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन, CH2CH और एक OH, एक हाइड्रोजन जुड़ा है, एक OH जुड़ा हुआ है, फिर इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं CH3, ठीक है। तो यह हो गया आपका। अगला जो है घ में आप देखें ध्यान से, यह स्ट्रक्चर है आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, इसको लिखना है आपको। तो यहाँ पे आपका CH3CH3 हो जाएगा, यहाँ पे आपका CH हो जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे आपका CH हो जाएगा, फिर CH3CH3 होगा। इसका जो ओपन स्ट्रक्चर होगा वह यह होगा आपका, यह हो गया CH3CH CH3, फिर आपका CH CH3CH3, तो यह इसका ओपन स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यह आपका उदाहरण नंबर 12.6 था, ठीक है, इसमें रिप्रेजेंटेशन आपने देखा, आप पढ़ रहे थे चैप्टर 12 की तीसरी हेडिंग कार्बनिक यौगिकों का संरचनात्मक निरूपण के बारे में। इसमें आपको पहला टॉपिक हमने बताया पूर्ण संघनित तथा आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र के बारे में। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।